तो दोस्तों अखिल फ्रेडिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों हमारे हाथ में पावर सप्लाई है, कैसे भी पावर सप्लाई होने दीजिए, SMPS होने दीजिए दोस्तों, हम उसको बनाए बिगर रहते नहीं। हर एक फॉल्ट दोस्तों हमारे पास में, आप हमारे चाहे तो आप व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टेक्ट करके दोस्तों हमसे पूछ सकते हो कोई भी सवाल जो DTH पावर सप्लाई के रिपेयरिंग के जुड़े होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम उसकी TP भी दिखा रहे हैं DD Fridis की, ये देखिए दोस्तों हमारे, और देखिए DBC के मीटर में दोस्तों TP भी दिखा रहे हैं हम दोस्तों। और DBC का मीटर अगर चाहिए आपको, यूरी का मीटर चाहिए दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमें कॉन्टेक्ट करिए दोस्तों, हम आपको उसका प्राइस भी बताएंगे और कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि आप पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं, बहुत बार रिपेयर कर प्रॉब्लम आती है, कभी कभी कुछ पावर सप्लाई ऐसे आते हैं आपके पास में जो कि बिल्कुल भी रिपेयर नहीं होते, तो उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों पावर सप्लाई में आपको क्या क्या करना चाहिए और दोस्तों क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए आपको। तो दोस्तों बहुत सारे फॉल्ट है, चार फॉल्ट आपको आज, चार से पांच फॉल्ट आपको बताएंगे दोस्तों हम, जो कि आपको इस वाले पावर सप्लाई में आते हैं दोस्तों। जो कि पहला फॉल्ट आता है दोस्तों, बिल्कुल भी डेड हो जाता है सेटअप बॉक्स और दोस्तों चालू नहीं होता है, तो वो तो आपको बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाता है। जो कि आपको एक प्राइमरी यहाँ पर होती है और सेकेंडरी यहाँ पर होती है दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसे बोलते हैं आप प्राइमरी और इसे बोलते हैं सेकेंडरी। तो दोस्तों इसके बीच में एक रकेल दिखती है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा। मगर दोस्तों इसमें जो आपको सेकेंड प्राइमरी में जो प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर पहले तो आपको फ्यूज़ चेक करना पड़ता है दोस्तों। आप यहाँ पर एक फ्यूज़ देख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम तो यहाँ पर मालूम पड़ जाता है फ्यूज़ गया तो, मगर आप फ्यूज़ जैसे डालते हो दोस्तों वैसे फ्यूज़ उड़ जाता है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है दोस्तों। जो कि यहाँ पर जो आपको डायोड दिख रहे हैं दोस्तों, चार डायोड, तो इनमें से दो डायोड ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों दो डायोड ख़राब होने की वजह होती है दोस्तों, ये मेन जो होती है दोस्तों IC, अगर ये IC दोस्तों जो कि हमारा इसके आगे कुछ प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, फीडबैक के लिए यहाँ पर ऑटो कपलर लगा रहता है, और यहाँ से दोस्तों ये आपकी जो IC होती है ये ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पहले तो दोस्तों आपको इससे ये आपको डायोड चेंज करने से पहले यहाँ पर आपको चेक करना होगा दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर चार डायोड है, वो चेक करना होगा आपको। और जो आपका जो जॉक लगा रहता है जो कि मदरबोर्ड में लगा था, तो इसे निकाल के चेक करना होता है। तो ये निकाल के चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर से पूरा डायोड ओके होने के बाद में आपको रिवर्स आना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। और ये ऑटो कपलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे। तो ऑटो कपलर ख़राब नहीं है, यहाँ का एक कोई डायोड ख़राब होगा, या तो कोई कैपेसिटर ख़राब होगा, या तो मदरबोर्ड ख़राब होगा जो कि जैक लगा रहता है। तो आपको इसमें आपको पीछे आना है, तो हम बताते हैं यहाँ तो आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर पीछे आने के बाद में आपको ये IC चेक करना होता है। तो IC का ही दोस्तों एक तरफ से तो पूरे पॉइंट यहाँ पर अपोजिट में यहाँ पर पॉइंट चेक करना होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो पॉइंट तो यहाँ मिले रहते हैं दोस्तों, और इसके अलावा यहाँ पर दो पॉइंट खुले हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग, यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट के जो IC के पॉइंट है, तो वो आपको चेक करना होता है इसमें आपस में कोई शॉर्ट है या नहीं है। तो उसके भी हम दोस्तों आपको यहाँ पर, आप जुगाड़ तो हमने कर रखा है, और आपको जुगाड़ के अलावा आपको मल्टीमीटर करना पड़ता है दोस्तों, मल्टीमीटर से चेक करना तो होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, लाइट दिख रहा है आपको। तो इससे भी चेक कर सकते हो दोस्तों, जो कि हमारा जो शॉर्टिंग होता है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों दो पॉइंट यहाँ पर है आपस में मिले वाले, तो यहाँ पर ये बता रहा है। तो इसमें आपको ये अपोजिट में चेक करना होता है, ये पॉइंट आपस में चेक टच है कि नहीं। तो जैसे हमने बताया दोस्तों, ये आपको हाई वोल्टेज आने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो IC उड़ जाती है, उसके बाद में डायोड उड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं दोस्तों, ये IC का नंबर भी आप देख सकते हो दोस्तों, आप सेम टू सेम पावर सप्लाई में से भी निकाल के डाल सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा जूमिंग करके दिखाते हैं हम आपको, दिखाते हैं इसका नंबर दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका नंबर, थोड़ा जूम कर रहे हैं दोस्तों हम, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और दोस्तों नहीं भी दिख रहा होगा आपको नंबर इसका, तो आप इसे कोई दूसरा पावर सप्लाई हो तो उससे भी रिप्लेस करा सकते हो दोस्तों। सेफ्टी सेम पावर सप्लाई रहे तो इस वाली IC को, इसके बाद में ये चालू है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर दोस्तों ये जो DT है इसे भी चेक करना है। तो DT भी किस तरीके से चेक कर सकते हो दोस्तों, आपकी इसकी मदद से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं DT के जो दो पॉइंट है, तो हमें यहाँ पर से ऐसे चेक करना है। इसे आपको बताने के लिए थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं हम दोस्तों।
तो ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों, ये डीटी के यहाँ पर से आप चेक कर सकते हो इसे इस तरीके से, यहाँ से ये और यहाँ से ये दोस्तों। तो दोस्तों ये भी आपका चेक हो जाएगा, डीटी का जो पॉइंट है यहाँ पर आपको ये डीटी भी चेक हो जाएंगे दोस्तों। और बाकी होता है दोस्तों, बाकी की जो चीज़ें होती है दोस्तों आपको, वो भी आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद में आपको सेकेंडरी की बात करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर भी क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों आपको, एक तो आपको वीक सिग्नल मिलेगा, तो दोस्तों आपका वीक सिग्नल का प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये 3.3 वोल्ट जो होता है दोस्तों वो बरोबर नहीं आ रहा है दोस्तों, छोड़ पकड़ कर रहा है तब भी आता है ये जो जॉक होता है दोस्तों, इसके अंदर भी प्रॉब्लम आती है ये वाली जॉक। तो आप इसमें दोस्तों 3.8 मतलब आपका वीक सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ से एक वायर दोस्तों, यहाँ से 3.3 वोल्ट का डायोड है दोस्तों, यहाँ से आपको एक सप्लाई निकाल के दोस्तों आपको जो मदरबोर्ड होता है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर एक सप्लाई देना होती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट का है दोस्तों डायोड, तो यहाँ से यहाँ तक आप सप्लाई दे सकते हो दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट होता है इधर से, तो ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों। और दूसरी एक बात होती है दोस्तों आपको, और इसके बाद में भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आधे चैनल आ रहे हैं स्कैनिंग में, आधे चैनल नहीं आ रहे, तो दोस्तों आपका जो 24 वोल्ट होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर 24 वोल्ट होता है दोस्तों, तो वो आपको बराबर करेक्ट करना है दोस्तों। तो 24 वोल्ट का आपको कैपेसिटर भी यहाँ पर दिख जाएगा, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 35 वोल्ट आता है, ये 35 वोल्ट वाला जो होता है, तो दोस्तों इसमें ही आपको 24 वोल्ट आता है यहाँ पर, तो ये आपको कैपेसिटर चेंज करना है, और ये चेंज करने के बाद में आपका 24 वोल्ट आ जाएगा, तब भी नहीं आ रहा, तो ये डायोड चेक करना है आपको, जैसे हमने बताया ये डायोड चेक करना पड़ता है, निकाल के आपको नया भी डाल सकते हैं दोस्तों, या तो फिर ये वीक भी हो सकता है जैसे हमने बताया आपको पहले। और उसके बाद में और एक फॉल्ट होता है दोस्तों, आपका जो सेटअप बॉक्स एकदम बिल्कुल भी डेड हो जाए, तो दोस्तों आपका जो 5 वोल्ट है दोस्तों, 5 वोल्ट भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों आपको मदरबोर्ड स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर से, ये डायोड का जैसे हमने बताया वैसे ही चेक करना है। तो बहुत कुछ तो ज़्यादा तो है नहीं इसके अंदर दोस्तों, ज़्यादा कुछ थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आते हैं तो वो आपको थोड़ा सा समझ जाएंगे आप अच्छे से, तो दोस्तों आप आगे पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर प्रॉब्लम में है तो दोस्तों हमें कमेंट करिए व्हाट्सअप पे, हमारे हम आपको रिप्लाई देंगे दोस्तों, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो आपका जो पावर सप्लाई से रिलेटेड है या तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप उसका हम सोल्यूशन आपको दे देंगे दोस्तों, रिप्लाई दे देंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, जैसे कि आपको पता है दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।